हेलो दोस्तों, मेरा नाम विश्वजीत और आप लोगों को विश्वजीत मन्नत चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों आज एकदम छोटा सा वीडियो है। पोको X2 का फ़ोन है जिसमें टच काम नहीं कर रहा है। आप लोगों को पता ही रहता है कि अगर पोको X2 में अगर आपका स्क्रीन कैमरा स्पीकर काम नहीं कर रहा, एक ही चीज़ होता है सीपीयू को रिबॉलिंग करने से जो है हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। कि जहाँ हमने भी इस फ़ोन में यही किया, हमने इसका सीपीयू निकाला, सीपीयू निकालने के बाद में रिबॉलिंग किया और हमारा जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। मगर यहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है, काफ़ी लोग क्या करते हैं, सीपीयू रिबॉलिंग करने के बाद में फ़ोन ऑन नहीं होता है, डेड हो जाता है। अक्सर ये होता है पोको X2 के साथ, ठीक है। और X3 Pro ये सब तो काफ़ी लोग बना लेते हैं। X3 Pro बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उसमें भी कुछ एक लॉजिक है। और X2 में भी आप CPU निकालते हैं, रिबॉलिंग करते हैं, लगाते हैं, मगर मोबाइल ऑन नहीं होता है, मोबाइल पूरी तरीके से डेड हो जाता है। तो वहाँ पे एक एक रीज़न की वजह से होता है। जब आप हीट ओवर हीट करके आप अगर CPU को निकालते हो, समझ लीजिए 350 अगर ऊपर अगर आप हीट देते हैं, तब जाके आपका जो है EMMC जो है वो भी ड्राई हो जाता है, जिसकी वजह से आपका फ़ोन बूट नहीं ले पाता है प्रॉपरली। तो अगर उस कंडीशन में आपने CPU निकाल के एक बार लगाया, दो बार लगाया, फिर अगर नहीं हो रहा है तो CPU को बार बार मत निकालिए, तो ख़राब हो सकता है। डायरेक्ट EMMC को निकालिए, निकाल के उसको क्लीन कीजिए, रिबॉलिंग करके लगा दीजिए। एकदम छोटा सा वीडियो है, काफ़ी लोगों को पता नहीं रहता है कि अगर ऐसे कंडीशन में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो क्या करना है। इसके लिए मुझे लगता है कि इसको पर एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि वैसे ही मैंने अभी तक पोको X2 के ऊपर कोई वीडियो बनाया नहीं है। इसके लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर अपने CPU को और EMMC को दोनों लगा दिया फिर भी मोबाइल ऑन नहीं हो रहा, तो पावर IC को डेफिनेटली एक बार निकाल के रिबॉलिंग करें, जिससे आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व 100% सॉल्व हो जाएगा। ये अपडेट करने की वजह से होता है ये सब इशू, काफ़ी लोगों को पता ही है। तो छोटा सा वीडियो था, और भी काफ़ी सारे वीडियो से एडिट करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, इसके लिए ये छोटा सा क्लिप दो मिनट का, मतलब कुछ सेकंड का क्लिप बना के रखा था। मैं सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ, जिनको जानकारी नहीं उनको इसके बारे में जानकारी मिले। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।